ओके नितिश, वेलकम ऑन योर पीडिया। यस सर, थैंक यू सर। ओके एंड नितिश, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपकी सिलेक्शन हुई है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में एज असिस्टेंट इंजीनियर। यस सर, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अच्छा नितिश, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? सर जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर के ही हैं और अपने स्टेट में आपको ये जॉब मिला है, यस इससे अच्छा सर, कुछ नहीं हो सकता। और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, यस सर, और भी एक बहुत ही अच्छी चीज, बिकॉज मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ी पोजीशंस कम होती हैं असिस्टेंट यस इंजीनियर, सर, और आपको अपनी स्टेट में मिलना, इट इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग फॉर यू। यस ये सारा इंटरेक्शन जो नितिश मैं करूंगा, इसका पर्पस है कि स्टूडेंट्स को पता लगे कैसे हमें ऐसी जॉब्स लेनी है। आपका एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो जानना चाहेंगे, आपने तैयारी किस तरीके का पेपर था, कैसे आपने सब कुछ किया, स्टूडेंट जानना चाहते हैं वो। सो नितिश, स्टार्ट करते हैं आपकी बैकग्राउंड से। आप प्लीज हमें बताएं कि आप किस पार्ट ऑफ जम्मू और कश्मीर से, कहाँ से हैं आप, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, एंड उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड आप बताएं, कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, कब किया है, उसके बाद से आप क्या कर रहे थे। यस सर। सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड देन आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम माई नेटिव प्लेस। आफ्टर दैट आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। देन आई प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड आई गॉट आई थिंक 66 मार्क्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। बट अनफॉर्चुनेट आई डोंट गो फॉर एनी हायर स्टडीज बिकॉज दैट स्कोर इज नॉट इनफ फॉर पीएसयूज। Then I will again drop for that score. And now this time I will score 69. That is enough. Again, not enough for the PSU. Then in the state JKSPDC JEE will come. Then I appear for written and I qualify the written exam. But unfortunately, I their MTech score is 4 marks. But I don't get MTech. So then I got rejected in that list. I got rejected in the list. Then I thought, then I will go for higher studies so that I got a score of these 4 marks. Then I 4 मार्क्स आप then जम्मू और I कश्मीर में बता रहे हैं, राइट नितिश? यस सर, यस सर, 4 मार्क्स के मार्क्स मिलते हैं जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में, हाँ सर, एमटेक, एमटेक के 4 मार्क्स मिलते हैं। और पीएचडी का भी है क्या कुछ ऐसा? नो 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 नो, ओनली एमटेक। ओनली एमटेक का है। यस सर। सो उसके बाद मैंने एनआईटी सूरत को सेलेक्ट किया थर्मल सिस्टम डिजाइन में एमटेक करना। सो वहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा मिला, गाइड अच्छे मिल गए मनीष राठौड़ सर। वहाँ पर उनके अंडर गाइडेंस उनके अंडर एक एक जर्नल भी पब्लिश किया और एक कॉन्फ्रेंस पेपर भी अटेंड किया। तो उसके बाद वो चल रहा था, उसके बाद अच्छा था और उन्होंने बोला भी कि पीएचडी के लिए आ जाओ मेरे पास। तो बट जब जब घर आया, कोरोना था उस टाइम पे घर आया था, जेके पीएससी ए की पोस्ट निकल गई। तो मैंने सोचा चलो 1 साल मैं ये तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा कि पीएचडी करें या ना करें। सो इसके लिए प्रिपेयर किया। तो देन रिटर्न क्वालिफाई हो गया क्योंकि तैयारी अच्छी चल रही थी, रिटर्न क्वालिफाई हो गया। उसके बाद रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद मेरे को लगा कुछ गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू एक्सपीरियंस फेस करना मुश्किल था। देन मैंने प्रीवियस से पहले तो प्रीवियस ईयर के जो जोर पीड़ा पे मॉक लगे थे सिविल इंजीनियरिंग के, उनके देखा और एक दो से इंटरेक्शन किया, क्योंकि मैंने फेसबुक पे सर्च किया नाम, जो रैंकर फर्स्ट सेकंड थे उनका सर्च किया फेसबुक पे, उनसे कांटेक्ट किया, फोन नंबर दे दिया उन्होंने, फोन बात की कि कैसा कैसा एक्सपीरियंस है। उन्होंने बोला अच्छा है जोर पीडिया वाला। फिर मैंने कोर्स खरीदा फिर पहले 2 3 मॉक में तो बड़ा ज्यादा मतलब बड़ा ज्यादा फील, मतलब कुछ बोला नहीं जा रहा था, मतलब एक दो में तो एचआर मैम ने तो सीधा रोक दिया था कि बस आज अभी इतना ही है, कल के लिए दोबारा प्रिपेयर करो। फिर मतलब हर स्टेज पे एक फुल मॉक दिया, उसमें भी काफी एक्सपीरियंस मिला। उन्होंने भी कि तुम क्या करते हो, तुम मतलब सोचते नहीं हो, 1 2 मिनट के सोचो फिर उसके बाद जवाब दो। बट उसके बाद उन्होंने ये वाला एक्सपीरियंस मेरे को काम आया इंटरव्यू में सेम। इवन मेरे को जो क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन तो सेम थे जो मेरे को सर ने पूछे भी थे, सोम के आई थिंक विजेंद्र सर थे शायद, उन्होंने पूछे भी थे मेरे से 2 क्वेश्चन सेम वो सेम डेटो मेरे को क्वेश्चन वहां पूछे गए। फिर दो क्यों जब मेरा एमटेक कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मेरा वाईजूस में एकेडमिक स्पेशलिस्ट पढ़ाता था और वहां पर मैंने यहीं से स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन में, लास्ट में एंड किया कि मैं एकेडमी स्पेशलिस्ट हूँ। फिर वो वाईजूस के क्वेश्चन पूछने लगे, वाईजूस के बारे में पूछा कि क्यों ये पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था तो बंदे कैसे पढ़ते थे। तो फिर उनको एक्सप्लेनेशन किया, रिजल्ट ये था कि जिस तरह से तुमने आंसर को एंड करते थे, आंसर वहीं से क्वेश्चन नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होता था इंटरव्यू का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप एंड करो वो इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज इंटरव्यू को अपनी डायरेक्शन में पुल करना नितिश एक आर्ट है, यस और सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यस सर,
चलो बहुत अच्छा हुआ। अभी नीतीश, मैं आपसे जो आपने मेरे को सारा बताया उसके बेस पे दो चार चीजें पूछूंगा। आपकी ग्रेजुएशन आपने कब बताया, आपने ग्रेजुएशन किया था सर कंप्लीट, 2017 में कंप्लीट हुई थी मेरी, और फिर मास्टर्स के लिए कब गए आप? 2019 में। अच्छा, तो ये 2 साल आपने तैयारी किया। यस सर, ओके, अच्छा मास्टर्स फिर आपका 21 में कंप्लीट हो गया, यस सर। उसके बाद आपने जॉब ज्वाइन कर लिया या आप तैयारी में लग गए? नहीं सर, तैयारी जॉब में कर रहा था मैं। मैंने एक फुल टाइम था, एक उनका पार्ट टाइम था। मैंने पार्ट टाइम लिया था 6 से 10, 6 से 10 पार्ट टाइम पढ़ाता था बच्चों को लाइव क्लासेस वाईजूस में। और उससे पहले मैं इधर ट्यूशन खोली थी 11th और 12th के लिए अच्छा, आप बच्चों के ट्यूशन लिए। पढ़ाते भी थे आप? ट्यूशन भी पढ़ाते थे और लास्ट में रात को जो टाइम मिलता था वो खुद पढ़ता था। चलो वेरी नाइस। अच्छा नितिश, अब ये बताइए कि ये जम्मू और कश्मीर में जो आपकी सीट थी असिस्टेंट इंजीनियर, कितनी सीट्स एडवर्टाइज हुई थी? सर इसमें हुई थी 61। सिक्स मैकेनिकल की। यस सर, ओके, तो ये तो काफी अच्छा नंबर था। यस सर, 61 काफी अच्छा और कितने टाइम्स लोगों को ये इंटरव्यू में बुलाते होंगे? सर। 3 टाइम्स 61 थी तो 187 बुलाए थे। 187 को बुलाया था उन्होंने, और ये यस बहुत सर, साल के बाद मेरे ख्याल से मैकेनिकल वाले बच्चों सर आई को। थिंक 2012 के बाद अभी निकली है। ओके, तो बहुत साल के बाद ये चीजें आई हैं। अच्छा यस नितिश, सर, ये बताइए कि जैसे आप तैयारी कर रहे थे और चीजें हिट नहीं हो रही थी, आपने अपनी सक्सेस जर्नी तो हमने शेयर किया, मेरे को अपने फेलियर्स के बारे में बताओ कि जहां आपने लिखा फिर चीजें नहीं हिट हुई, कुछ यस उसके बारे सर। में बताओ। सर क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि साहब एक दो फेलियर के बाद वो लाइफ खत्म हो जाता है, आप अपने फेलियर्स के बारे में बताओ। सर, जब मैंने गेट 2000 फर्स्ट वाला फर्स्ट एक्सपीरियंस था उस टाइम पे गेट का, सो गेट दिया मैंने तो गेट क्वालिफाई तो हो गया। बट पता था कि क्वालिफाई करना नॉट ए बिग थिंग, क्वालिफाई तो हो ही जाता है, लेकिन वो स्कोर हाउ 80 कम से कम भी तुम्हें 75 से ऊपर चाहिए पीएसयू के लिए कॉल आने के लिए। सो पहली बार तो नहीं हुआ, बट ये था कि तैयारी भी, मतलब ये था कि इतनी भी तैयारी नहीं की है कि मैंने कि हो जाए, की थी मतलब इतनी आगे खुद ही सेल्फ स्टडी किया था, सारा कुछ ऐसे किया था इस, मतलब तो 75 लाना। फिर उसके बाद अगली बार किया, अगली बार ड्रॉप किया, फिर मैं घर से बाहर चला गया, घर से बाहर मतलब कमरा लिया, उधर बाहर पढ़ने लगा। तब भी फिर भी क्योंकि वो 70 और 100 को टच करना गेट में मुश्किल है, वो जो 30 नंबर का गैप है वो ज्यादा, उसको मतलब ज्यादा कंसेप्ट चाहिए, तो वो नहीं बिल्ड हो रहे थे। फिर मेरे को जब JKSPTC का दिया, उस टाइम रिटर्न हो गया क्वालिफाई, रिटर्न में आई थिंक उसमें 5 पोस्टें थी, 35 बच्चों को बुलाया था उस टाइम पे, तो उन्होंने 5 बच्चों को पांचों के पांचों एमटेक वाले सिलेक्ट किए। तो फिर मेरे को लगा कि एमटेक करनी चाहिए, कि एमटेक के 5 नंबर भी है, इसलिए किस लिए आपको मिस करने हैं 5 नंबर। तो ऐसे भी जॉब तो निकली नहीं थी JNK में, स्टेट में तो कोई जॉब थी नहीं जेई की, तो वो हो गई। उसके बाद 19 में RRBJ भी हुआ था, RRBJ निकला था, उसमें मेरा पहला दूसरा दोनों स्टेज क्लियर थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में लिस्ट में नाम नहीं था, जो लास्ट में लिस्ट निकली थी उसमें नाम नहीं था। फिर मैंने एमटेक किया, एमटेक में उस टाइम पे बार्क वगैरह ये भी दिए, पर क्वालिफाई नहीं हुआ। एक बार्क का एक बार रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, इंटरव्यू फेस किया था, तो उसके बाद भी ये सारे स्टेज। उसके बाद SSCJ दिया, प्री हो गया, बट स्टेट में फिर से JKSPTC, और उसमें क्लैश कर रहा था मेरा उसमें। फिर मैंने मेंस छोड़ दिया, इस बार भी प्री हुआ, मेंस भी दिया, अच्छा हो गया मेंस भी SSC का, बट ये वाला हो गया, तो अब वो वाला दिन। चलो गुड, दैट मींस आपकी प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, यू शुड कीप ऑन प्रिपेयरिंग, राइट? यस यस सर। एक सैचुरेशन वंडरफुल। लिमिट, एक सैचुरेशन लिमिट आती है कि यहाँ पर हमें छोड़ देना चाहिए, बट वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जब सैचुरेशन लिमिट आती है उससे एक स्टेप आगे चल जाओ ना, तो वो तुम्हें अल्टीमेट गोल्ड मिल जाता है। बट हम क्या करते हैं, उस सैचुरेशन लिमिट के बाद छोड़ देते हैं, तो वो डिक्लाइन कर जाता है। इससे अच्छा एक एक स्टेप थोड़ा सा आगे होता है वो सक्सेस वाले के लिए। तो ये कैसे पता लगता है कि सेचुरेशन लिमिट अब आ गया है? सर वो तो एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाता है, क्योंकि जब तुम 4-5 पेपर दे रहे हो, क्वालिफाई हो रहा है, पर लास्ट स्टेज में नहीं पहुंच रहे, तो फिर वो इतना पता कि हो जाएगा एक्सपीरियंस। हाँ यस सर, तो मतलब ये है कि आप लगे रहना चाहिए, और जब आपको लगता है आपकी लिमिट आने वाली है तो इसका यस मतलब सर, आपका रिजल्ट भी आने वाला है। आने वाला, यस सर। चलो वंडरफुल। अच्छा नितिश, अब ये बताइए कि जैसे अभी आपको ये जो पोस्ट मिली है, ये ऐसे कौन सा डिपार्टमेंट है ये? PWD, रोड्स PWD R&B, रोड एंड बिल्डिंग। एंड बिल्डिंग्स। हाँ, यस सर। तो इसमें मैकेनिकल का क्या काम होता है? सर इसमें मैकेनिकल का आई थिंक ये काम है कि जो मशीनरी वगैरह रहती है स्नो क्लियरेंस के लिए, जो अगर हिली एरिया में स्नो पड़ जाए, क्लियरेंस के लिए रोड चाहिए, जो ये बल्डोजर वगैरह होते हैं, JCB वगैरह होती हैं, इनकी मेंटेनेंस ऑपरेटर वगैरह ये वाला। अब जैसे ये नितिश मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स होती हैं, और यस पब्लिक सर, सेक्टर अपना एग्जाम भी निकालते हैं और गेट के थ्रू भी होता है। जैसे हमने यस देखा सर। है PCL वगैरह, उनका अपना एग्जाम होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का अपना एग्जाम होता है, तो यस ऐसा सर, भी है। लेकिन स्टेट में मैकेनिकल के लिए नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं। तो यस सर। जो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है आपको सुन रहा है और अगर चाहता है कि साहब मैं गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में जाऊं,
उसके लिए कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सर एक्चुअली मेरे को लगता है कि पहले तो तुम जो हायर पेपर है पीएसयू के लिए उसके लिए तो अप्लाई करो, अगर हो गया तो अच्छा है, मतलब हो गया तो अच्छा, अगर नहीं हो रहा है तो मेरे साथ, क्योंकि 2017 के बाद तो कोई पोस्ट निकली नहीं थी ना, 2020 आई थिंक 20 में निकली थी, 4-15 पोस्ट थी ओपन मेरिट की, ओपन थी 15 मेरिट, उसमें तो कट ऑफ भी हाई था। इस टाइम पे निकली हुई है जेके जे स्टेट में जेई भी निकला हुआ है, 185 पोस्ट है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 185 सफिशियंट सीटें हैं, 185 और 90 ओपन के लिए, तो आई थिंक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए फ्रॉम से जेएनके, बिकॉज इसमें तो बाहर स्टेट वाले तो अप्लाई कर नहीं सकते बिकॉज डोमिसाइल जेएनके के लिए, ये तो ये कौन सी पोस्ट वंडरफुल की बात अपॉर्चुनिटी। कर रहे हैं? सर जेई भी निकली हुई है, जूनियर इंजीनियर। यस सर। सो आपको ये जो भी जम्मू कश्मीर है इसमें और भी पोस्ट आनी है, इसके बाद चांस कम है? सब चांस तो बड़ा लिखा हुआ है, मतलब अभी 18,000 एडवर्टाइज होंगी पीडब्ल्यूडी में, लेकिन वो इसमें नहीं है, मतलब इसमें मैकेनिकल की नहीं है, मैकेनिकल होंगी भी तो 19-20 नहीं होगी, सिविल की आ रही है। अच्छा नीतीश, अब मेरे को ये बताइए कि रिटर्न एग्जाम की जो तैयारी थी इस एग्जाम की, वो किस तरह से कर सकता है कोई स्टूडेंट? सर मैं तो कहूँगा अगर किसी ने एक बार कोचिंग की हुई है किसी ने, तो बस वो मटी वो एक बार डाउनलोड, वो जो हैंड रिटन नोट्स बना लो, एक बार हैंड रिटन सो उसी को प्रैक्टिस करते जाओ, एमसीक्यू लगाते जाओ, अगर जितने एमसीक्यू लगाओगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस होते जाएगी, बिकॉज हमें हमारा भी यही था जो जेके रिटन हुआ था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वन वर्ड, बीच बीच में ऐसे थे कि क्वेश्चन छोड़ने थे वो, क्योंकि वो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होते भी नहीं थे, तो इसमें पूरे प्रीवियस ईयर डाले थे, ईएससी प्रीवियस ईयर। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ नीतीश, ये जो इंटरव्यू हुआ था इसका डिटेल में बताओ कि किस तरीके से गया था आपका, क्योंकि ये सर एक ऐसी डोमेन है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि रिटर्न एग्जाम की तो स्टूडेंट देखो बहुत जगह से तैयारी करता भी, प्रिपरेशन करता भी है, यस सर और जब एज अ टीचर एज अ मेंटर मैंने रियलाइज किया कि इंटरव्यू के लिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, देन वी क्रिएटेड दिस योरपीडिया एज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जहां पे स्टूडेंट जाए और प्रैक्टिस कर सके ऑनलाइन के चलते, और भी आसान हो गया कि कहीं रिमोट में बैठ के भी वो तैयारी कर सकता है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं नीतीश, कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, बच्चों में अवेयरनेस नहीं है, यस सर और इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ, तो मैं ये जरूर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिटेल में बताओ कैसा गया था इंटरव्यू, क्या क्वेश्चन पूछे थे, कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये एक ऐसा डोमेन है नीतीश जो अनएक्सप्लोर्ड है, बच्चों को भी इसके बारे में जरा भी पता नहीं है। तो यस सर आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस डिटेल में बताएं, सो दैट जो सुने स्टूडेंट उसको पूरा बेनिफिट हो इसमें। सर पहले तो मैं कहूंगा कि अगर ये जो जोर पीडिया पे कोर्स था वो नॉमिनल फीस थी, नॉमिनल फीस सफिशियंट थी इतने में, क्योंकि अनलिमिटेड वो थे, मॉक थे, जितने मर्जी लगा सकते, वो तो आप पे था कि आप कितने लगा रहे हो, तो पहले तो मैंने ये चीज एडवांटेज मिली, क्योंकि पहले तो तुम पहले मैं सुना है क्योंकि इतने मॉक है, इतने अनलिमिटेड मॉक पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तुम देखो वो जो इतने, क्योंकि मैक्सिमम योर जब भी तुम ऊपर सर्च करते हो तो योर पीडिया पहले नंबर पे आ जाती है, पहले नंबर पे तुम जितने मर्जी मॉक लगा सकते हो हर चीज का, और साथ में क्या होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आप पूछते हो, कभी कभी क्या होता है कि जो टीचर होते हैं विशाल सर हो गए, जो आप कभी कभी पूछते हो वो प्रैक्टिकल पूछते हैं, प्रैक्टिकल मेरे को भी बड़ी चार 2-3 बार प्रैक्टिकल पूछा, वो प्रैक्टिकल में हमें थिंकिंग नहीं होती है, क्योंकि हमने पढ़ी होती है थ्योरेटिकल, हमने चीजें पढ़ी हुई है थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल तो हमें नॉलेज ही नहीं है, तो हमें पता है कि कभी बड़े, जैसे आपने बताया कि बड़े सारे जैसे आपका वो पड़े हुए हैं जो मैराथन पड़े हुए हैं, उससे बड़ा फायदा हुआ स्टिफनेस, और जैसे मैं गया पैनल में, पहले तो डर लग रहा था पैनल में, उसमें 2 IIT के थे, 2 IIT दिल्ली के थे मेंबर, और 2 जामिया जामिया के थे, और आई थिंक एक चेयरमैन था और एक पीएससी मेंबर था, 6 मेंबर की कमेटी थी, तो जैसे अंदर गया तो, लेकिन पहले सबसे बाहर डर लग रहा था, जब अंदर गया तो कंफर्टेबल होने लगा, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है वो कंफर्टेबल बना देते हैं तुम्हें, तो जैसे गया तो पहले तो इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद चेयरमैन ने आई थिंक 2 क्वेश्चन पूछे, नॉर्मल था कि कंडक्शन वाला कौन सा ला था, कंडक्शन का कौन सा ला है जो इसको एक्सप्लेन करता है, तो वो बता दिया मैंने, आई थिंक पीएससी मेंबर आ गए, फिर उन्होंने वाइजूस के बारे में, जॉब के बारे में पूछा जो आपका एक्सपीरियंस था, तो फिर हॉबी पूछी, लेकिन हॉबी भी, हॉबी ऐसी चीज है कि हॉबी तुम जैसे बताओगे उसके ऊपर क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अब किसी ने, मेरे 2-3 मेंबर दोस्त थे उन्होंने क्रिकेट बताया, अब क्रिकेट के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन बन गए थे कि मतलब डीप तक पहुंच गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रैक्टिकल, फिर दूसरा मेंबर था उन्होंने प्रैक्टिकल पूछा कि ये फैन चल रहा है ये कौन सी डायरेक्शन में हवा फेंकता है, रेडियल और एक्सियली, देन बताया, फिर उसके फिर 2-3 प्रैक्टिकल पूछे कि वो जो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं सड़क पे तो उनको कैसे पता चल जाता है कि आप ओवर स्पीडिंग है, वो अगले जाम पे बता देते हैं, फिर उसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट पूछा और एमटेक की थीसिस के बारे में पूछा था, और फेवरेट सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बताया, तो उसमें मेरे को उन्होंने स्टिफनेस और
स्ट्रेंथ में डेफिनेशन पूछी, और आई थिंक न्यूट्रल एक्सिस पूछी थी, और एक पोलर मोमेंट ऑफ पोलर मोमेंट सेक्शन मॉडुलस पूछा था, और बोला था कि इसको अगर मेरे को डिजाइन करना है, एक वहां पर बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड बोर्ड के नीचे एक हॉलो स्केयर सेक्शन थी कि जिसके ऊपर बोर्ड रखा था, वो स्टील का था। उन्होंने पूछा मटेरियल है तो ये हॉलो है या सॉलिड है, तो बताया मैंने हॉलो है, तो बोले ये हॉलो क्यों रखा है हमने, सॉलिड क्यों नहीं रखा, इवन सॉलिड की स्ट्रेंथ तो ज्यादा होती है। तो फिर बताया उनको कि स्टिफनेस का रिलेटेड था, तो अच्छा हो गया था ये अच्छा, सारे। यस सर, नीतीश, मैंने सुना है कि जो चेयरमैन साहब होते हैं वो एचआर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं सर, इस बार उन्होंने पीएससी सर ने पूछा था। एक्चुअली क्या था कि मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने ना उस पे रिटर्न्स पे सारा क्वेश्चन लिखे हुए थे, उन्होंने पेज पे लिखे हुए थे क्वेश्चन, मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं थी ना उनको, तो उनको थ्रेट दूसरी नॉलेज थी, मतलब जो एचआर टाइप, उन्होंने थ्रेट मेरे से पूछा नहीं, मेरा सीधा टेक्निकल पूछा था, टेक्निकल के 2 लॉ पूछे थे, तो आप जम्मू न्यूटन लॉ कश्मीर फुल के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने आपसे नहीं पूछा? ना, नहीं एक दो मेंबर को पूछा था, आई थिंक उनकी जेके इकोनॉमी भी पूछ के थे, जेके की इकोनॉमी कैसे चल रही है ये सारा पूछा था, पर मेरे को नहीं पूछा था, मेरे को पूछा था कौन सी स्टेट से हो बस, वो फेमस टूरिस्ट पूछा था, एक्सपर्ट फेमस टूरिस्ट पर। अच्छा नीतीश, अगर कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ड्रेसिंग वगैरह कैसी होनी चाहिए उसकी? सर ड्रेसिंग तो फॉर्मल थी, जैसे मैम ने बताया भी हुआ अपने एक मॉक में बताया होगा कि कौन सी कैसी ड्रेसिंग चाहिए, लेकिन अब तुम नॉर्मल अगर फॉर्मल भी लगा रहे हो विदाउट ब्लेजर सफिशियंट है, वो भी सही है। और जब तुम जा रहे हो मतलब तो काम रहो, टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि जितनी टेंशन लोगे तो उतनी ज्यादा मॉक आपका इंटरव्यू खराब होगा, और क्वेश्चन सिंपल होते हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा, अंदर का इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है, बस ये है कि तुम एक दो बार मॉक लगाए होने चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि तुम कभी घबराते नहीं हो, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तुम बोल सकते हो कि नहीं आता है छोड़ देना, मतलब क्योंकि वो तो क्वेश्चन के नंबर कटने नहीं है, वो तो सबको पता है कि जो टिपिकल क्वेश्चन है उनके तो क्वेश्चन तो नंबर तो कटने नहीं है, तो ऐसा तुम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो नहीं, तुक्का लगाने से मतलब नहीं है, तुक्का लगा सकते। तो जो आपने बताया उसमें एक चीज के आप काम रहो, टेंशन मत लो, यस यस सर, कॉन्फिडेंट ब्लफ रहो, नहीं करना है, ब्लफ ब्लफ नहीं नहीं करो, करना। ऑनेस्ट रहो और इन चीजों का ख्याल रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, और ऐसा कोई वर्ड नहीं बोल देना जिससे वो डायरेक्शन तुम्हारा तरफ ना है चले, मतलब क्योंकि ऐसा वर्ड बोलो जिससे वो तुम्हारी तरफ ही जाए, सारा कुछ वो अगला क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं जो आप वहीं से बोल। फ्रेम, वहीं से फ्रेम होता है पूरा, वर्डिंग वर्डिंग भी। अच्छा नीतीश, अब ये बताओ कि जब आपको न्यूज मिली तो आप कहाँ थे और कैसे आपको फर्स्ट न्यूज कैसे मिली? सर आई थिंक एक ग्रुप था फिर टेलीग्राम पे बना हुआ था, उधर से ग्रुप पे पता चला, तो पहले तो हिम्मत नहीं थी देखने की कि देखूं रिजल्ट देखूं, फिर बट लिस्ट, फिर मेरे को दोस्तों फोन आ गया तेरी सिलेक्शन हो गई है, तो फिर मैंने उनकी विश्वास नहीं किया उस पे, फिर मैंने खुद लिस्ट देखी, वो देखी उस टाइम पे, लिस्ट पे नाम देख के बड़ा खुश हुआ, फिर उसके बाद घर वालों को बताया, फिर अब सारी जगह, अब तो सभी जगह पहुंच गया, अब तो मीडिया वाले आ रहे हैं सारे खुश, चलो वेरी बिकॉज नाइस। बिलावर तहसील से पहला ही था जिसका हुआ है इसमें, अपनी हाँ तहसील में। हाँ अच्छा, वेरी गुड। सो अब आपकी ज्वाइनिंग तो मेरे ख्याल से अभी डिलेड है। हाँ सर, आई थिंक सर 30-35 डेज लग जाएंगे, 30 से हाँ 1 month लग जाएगा, आई थिंक पीएससी सेक्टेड आएगी अभी फाइल अभी जो वेरी। पढ़ाते हो आप, बच्चों को पढ़ाते हो, अभी भी पढ़ा रहे हो? यस सर, अच्छा, क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? सर मैथमेटिक्स अच्छा वेरी गुड। स्कूल के बच्चों को, राइट? सर, वाईजूस में एकेडमिक बाइजू में स्पेशलिस्ट। पढ़ाता। अच्छा, गुड गुड, यस सर, दैट इज वेरी नाइस नीतीश, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई थैंक यू मैसेज सर। आप देना चाहें स्टूडेंट्स को जो आपको सुन रहे हैं? सर एक ही है कि हार्ड वर्क करते जाओ, लक पे मैटर नहीं करता, बिकॉज असफलता कोई चीज नहीं है, सफलता के पीछे भी सफलता लिखा हुआ है, तो सफलता मिलेगी, बस वही है कि हार्ड लक करते जाओ, एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी पक्का। मैं भी 2017 से तैयारी कर रहा हूँ, अब तक के 2022 में मिली है, वो भी प्रेस्टिजियस जॉब मिली है, इससे ऊपर तो जेएनके में कुछ मिल ही नहीं सकता था अपने स्टेट में, कुछ इससे ऊपर जी इंजीनियर, वो सबसे बड़ी बात अपनी फील्ड में जॉब मिली है। कभी कभी क्या होता है, मेरे दोस्त भी थे वो तो दूसरी फील्ड में चले गए हैं, वो इतना सुकून नहीं मिलता जो अपनी फील्ड में जाके तुम्हें सुकून मिलता है। और वो भी असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब मैकेनिकल इंजीनियर को मिले, अपनी स्टेट में मिले, ये बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज ग्रोथ हैज आल्सो देयर, बिकॉज मैकेनिकल की सबसे ज्यादा 4 साल के बाद ग्रोथ बड़ी ज्यादा, 4 साल के बाद मतलब प्रमोशन है इसमें अच्छा मैकेनिकल मतलब, इंजीनियरिंग की, क्योंकि वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है तो बंदे भी कम है, उस हिसाब से प्रमोशन ज्यादा जल्दी है। यस वंडरफुल वंडरफुल। चलो सर, नीतीश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप एक एनर्जेटिक इंडिविजुअल हो, आपसे थैंक यू सर, रिफ्लेक्शन होता है थैंक और यू सर, ये सब पॉसिबल आपकी वजह से ही हुआ, बिकॉज मॉक इंटरव्यू की वजह से बड़ा ज्यादा वो मिले, क्योंकि रिटर्न में क्वालिफाई तो सबका हुआ, 187 का हुआ है, और नहीं। जो इंटरव्यू का मॉक लगाने से ये बड़ा ज्यादा फायदा मिला है मेरे को, बिकॉज पहले तो 2-3 इंटरव्यू में ऐसा था कि मेरा मुंह बिल्कुल मोरल डाउन चला गया था, जो मैं 2-3 मॉक दिए थे, बोला नहीं जा रहा था कुछ भी, नहीं।
एक्चुअली क्या होता है, कुछ चीजें ना प्रैक्टिस से आती है नितिश, जैसे यस साइकिलिंग सर, हो गया, स्विमिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, वो प्रैक्टिस से आता है, पढ़ के नहीं आता वो। यस सर, अब वही जब रिटर्न चीज हम खुद पढ़ सकते हो बिना कोर्स के। अब इंटरव्यू तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बड़ा सुना था मैंने, ऐसे बोला था कि फोन के सामने बोलो, लेकिन वो होता था, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं हुआ। मतलब जो मॉक से होता है कि तुम्हें फीडबैक मिलती जाती है साथ साथ में, जो उसके बाद फीडबैक मिलती है, वो चीज का बड़ा एडवांटेज मिलता है। साथ में अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुन सकते हो, क्योंकि अपनी रिकॉर्डिंग कभी भी अच्छा नहीं लगती सुनने में। वो उधर से जब क्वेश्चन टोकते हैं, क्या गलती हुई, क्या गलत बोल दिया मैंने, फिर वो सुनना, वो चीज सबसे अच्छी लगी मुझे जोरपीडिया की। तो मैं भी आऊंगा कभी, अगर आया मिलने तो पक्का आऊंगा जोरपीडिया से श्योर मिलने श्योर के लिए। नितिश, अगर आप नहीं आ पाए तो हम आएंगे, डोंट वरी, हम यस यस सर, यस श्योर आपसे सर, जरूर के श्योर में। चलो, आई यस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर नितिश, और थैंक यू सर, अगेन बहुत बहुत थैंक्स, आपने टाइम निकाला इस इंटरेक्शन के लिए। आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट सुनेगा उसको बहुत बेनिफिट होगा, एंड आई होप यू डू वंडरफुल इन योर जॉब एंड फॉर जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।